स्वागत है आपका एयूबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इन इंडिया पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट टू, यानी हाउ ए बिल बिकम्स एन एक्ट। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें कि कैसे एक बिल को एक्ट में बदला जाता है, इंडिया में कैसे एक्ट बनता है, एक बार गो थ्रू करते हैं पिछले पार्ट के वीडियो में, ताकि आपको अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पार्ट वन देख सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और लॉ के मामले में पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत संक्षेप में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब देश आजाद नहीं हुआ था 1945-46 की बात हम लोगों ने कहा था कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यानी शरद चंद्र बोस जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मोहम्मद अली जिन्ना जो लीडर थे मुस्लिम लीग के, ये दो पार्टी जो है उभर के सामने आई थी। प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुआ था उसमें किस प्रकार हम लोगों ने ये देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत इंडिया और पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना 1950 में, जो कि इंडियन अपना इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसको ख़त्म किया 1947 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी ख़त्म किया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हम लोगों ने अच्छा तरीके से डिस्कस किया था, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में जाना था, जो कि जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जिसे कहा जाता है इंडिया में। तो ये दो बातों का हम लोगों ने गहन अध्ययन किया था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसका गठन कब से हुआ था, और स्टेट और सेंट्रल बेसिस पे हम लोगों ने ये सारी बातें कही थी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। जी हाँ, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के पहले एक बात आवश्यक सूचना के तौर पे मैं बता दूं कि अगर आपको ये जो नोट्स हैं वो चाहिए कि कैसे एक बिल एक्ट में बदलता है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट aubsp.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक जो है उस आर्टिकल का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के थ्रू जरूर से जरूर पूछिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, कैसे एक बिल एक्ट में बदलता है, आज इस वीडियो में आप जान जाइएगा, और बहुत अच्छी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और अगर कोई डाउट रहेगा तो जरूर से जरूर पूछिएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात बिल की आती है। ठीक है, बिल क्या है? बिल एक ड्राफ्टेड प्रपोजल होता है। क्या होता है बिल? ड्राफ्टेड प्रपोजल, राइट? बिल होता है ड्राफ्टेड प्रपोजल टू बिकम एन एक्ट। बिल इज अ ड्राफ्टेड प्रपोजल टू बिकम एन एक्ट, या यू कह सकते हैं कि अ बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल विच हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेज बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल पे, कोई कानून बनने के पहले एक कागज पे लिखा जाता है, वो कागज को बिल कहते हैं। उसमें प्रपोजल रहता है, प्रस्ताव रहता है कि इस टॉपिक के ऊपर हमें कानून लाना चाहिए। बात क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया कि बिल क्या है? बिल क्या है? एक ड्राफ्टेड प्रपोजल है। उस बिल को वेरियस स्टेज के थ्रू गुजरना पड़ता है एक एक्ट बनने के लिए। पहला स्टेज के बारे में बात करें तो कहेंगे इसको फर्स्ट रीडिंग। जी हां, इस फर्स्ट रीडिंग में नंबर ए,
अच्छा हम लोगों ने पिछली वीडियो में जान लिया था कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है, तो ये दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है। तो आइदर ऑफ द पार्लियामेंट का जो हाउस है उसमें बिल को पेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट बिल है, गवर्नमेंट बिल है, तो उस बिल को अपने कोई मिनिस्टर मिनिस्टर रीड करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, पार्लियामेंट में। सपोज लोकसभा, लोकसभा, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया बिल को। या फिर अगर कोई प्राइवेट बिल है तो प्राइवेट बिल को, प्राइवेट अगर बिल है तो प्राइवेट बिल को प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन ही मेंबर, मेंबर जो है वो बिल को रीड करेगा। क्लियर? ये दो बातें समझ में आ रही है। बिल क्या है? एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है? बहुत सारा स्टेज से उस बिल को हम लोग गुजारेंगे, तो पहला स्टेज में फर्स्ट रीडिंग के नाम से जाना जाता है। उस स्टेज में क्या होगा? अगर गवर्नमेंट बिल है तो उसको मिनिस्टर जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, और प्राइवेट मेंबर प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस करेगा। सपोज आइदर ऑफ बोथ लोकसभा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी सपोज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। लोकसभा में सपोज मिनिस्टर ने रीड किया गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट बिल। हम लोग चलिए एक एक्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि और सुविधा होगा। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 1956, एक बार लिख दे रहे हैं, ये पुराना है, नया आ गया अपना 2013। तो अभी 2013 का निर्माण कैसे हुआ एक्ट का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देंगे। चलो, तो कंपनीज, कंपनीज बिल 2012 में बिल पास हुआ, लोकसभा में गया बिल, गवर्नमेंट बिल है ये, मिनिस्टर ने रीड किया, ठीक है। जब इंट्रोड्यूस हो गया तो उसको ऑफिशियल, ऑफिशियल गैजेट, नाम सुने हो गैजेट में पब्लिश करते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। ये फर्स्ट रीडिंग की बात है, फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस हो गया। क्लियर? फर्स्ट रीडिंग में क्या हुआ? बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब सेकेंड रीडिंग, इसको कहेंगे यहां से फर्स्ट रीडिंग हो गया, ये आ गया आपका सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग में क्या होगा? पहला स्टेज में अपना बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सेकेंड स्टेज में क्या होगा? आपका जनरल डिस्कशन, जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन होगा प्रिंसिपल के बारे में कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो किस टॉपिक के ऊपर है, उसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। बिल का प्रिंसिपल अगर बोले, प्रिंसिपल ऑफ बिल जो है वो डिस्कस होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पहला डिस्कस हो गया सेकेंड रीडिंग में, फर्स्ट स्टेज में डिस्कस होगा और सेकेंड स्टेज में इसका प्रत्येक बिल का जो क्लॉज है, माने लाइन बाय लाइन, या समझिए बिल का पर्पस के ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद डिस्कशन होगा उसके मेन प्रत्येक लाइन के ऊपर डिस्कशन होगा, प्रत्येक क्लॉज जो बिल का जितना क्लॉज है यानी पार्ट है या नंबरिंग
कहें, जो भी कहें आप। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस हो गया, सेकंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन हुआ कि क्या चीज के ऊपर बिल ये है, क्या चीज का कानून बनाना चाहता है, पूरा गहन अध्ययन होगा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है अपना थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है। अब पहला स्टेज हो गया, पहला रीडिंग हो गया, दूसरा रीडिंग हो गया, तीसरा रीडिंग में क्या होगा? डिबेट होगा। कोई बोलेगा कि बिल को पास करना चाहिए, कोई बोलेगा कि बिल को नहीं पास करना चाहिए, ठीक है। अगर सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मिलता है बिल को फेवर में, तो वो बिल पास कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तीन रीडिंग के बाद हम लोग किए, पहला रीडिंग में इंट्रोड्यूस हुआ, दूसरा रीडिंग में डिस्कशन हुआ और तीसरा रीडिंग में बिल पास हो जाएगा। हम लोगों ने बिल कहां पे इंट्रोड्यूस किया था? लोकसभा में, याद है ना, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, ठीक। इसके बाद ये पहला जब हाउस में पास हो गया बिल, तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा? दूसरे हाउस में, यानी कौन बचा? राज्यसभा। राज्यसभा में अब इंट्रोड्यूस होगा और ऊपर का पहला स्टेज को छोड़ के, यानी फर्स्ट रीडिंग को छोड़ के, क्योंकि बिल तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अब दूसरा यानी डिस्कशंस होगा क्लॉज बाय क्लॉज मेन प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। और डिस्कशंस होके उसके बाद बिल को वहां से पास किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लिख दें राज्यसभा भी पास कर दिया। पांचवा, सपोज एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि फॉर बिल पास्ड बाय वन हाउस एंड रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। समझो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होगा। क्या होगा? लिख देते हैं ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग होगा, दोनों हाउस के मेंबर को लेके ज्वाइंट सिटिंग होगा। और उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग में बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा सभी मेंबर्स के सामने जो प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई अमेंडमेंट लाना है तो उसमें अमेंडमेंट भी आएगा। तो अगर ज्वाइंट सिटिंग में भी बिल को पास कर दिया गया, ये क्लियर हो रहा है ना ज्वाइंट सिटिंग वाला? जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जान लीजिए कि पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया, तो दोनों सभा के मेंबर्स का एक मीटिंग होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा, मीटिंग होगा, उसमें डिस्कशन चलेगा और डिस्कशंस के बाद सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे जो मेंबर प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, तो फेवर में अगर ज़्यादा वोट आ गया तो बिल को फिर भी पास मान लिया जाएगा। क्लियर? कभी कभी होता है। अच्छा, यहां तक हो गया, बिल को पास कर दिया गया। बिल को पास करने के बाद एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट लेना जरूरी है। लोकसभा, लोकसभा बिल पास कर दिया, राज्यसभा बिल पास कर दिया, जब बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिल को पास कर देंगे
तो जाएगा अपने प्रेसिडेंट के पास और उनका स्वीकृति मिलेगा, वो सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर कर दिए, एसेंट मिल गया जी, बिल आपका जो था वो बन गया एक्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। अभी हम लोगों ने बात किया था कंपनीज एक्ट 2013। चलिए इसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे बिल जो है वो एक्ट में बदला, कंपनीज एक्ट कैसे बना, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात करें कंपनीज बिल का, तो राज्यसभा नहीं लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज बिल 2012 इंट्रोड्यूस हुआ था और लोकसभा ने पास कर दिया था इसे 18 दिसंबर 2012 को। क्लियर, पास हो गया लोकसभा में। फर्स्ट रीडिंग में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया बिल को, कंपनीज बिल 2012। उसके बाद डिस्कशंस हुआ सेकंड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में क्या हुआ, वोटिंग हुआ, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया कंपनीज बिल 2012 18 दिसंबर 2012 को पास हो गया। उसके बाद इसको कहां लेके गया, राज्य सभा, राज्यसभा में गया। जब राज्यसभा में गया तो वो क्या बन चुका था, कंपनीज बिल 2013 में पेश हुआ, 2013 बिल हो गया और राज्यसभा जो है वो आपका 8 अगस्त 2013 को पास किया। लोकसभा कब पास किया, 18 दिसंबर 2012 को, कंपनीज बिल 2013 में पेश हुआ राज्यसभा में, तो उसका नाम हुआ कंपनीज बिल 2013 और वो पास किया गया 8 अगस्त 2013 को। उसके बाद कौन सा स्टेप बच गया, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कंपनीज बिल 2013 जब बोथ ऑफ हाउस ने पास कर दिया तो आपका 29th सेम मंथ में, अगस्त में ही, अगस्त 2013 को एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो मिल गया और अपना कंपनीज बिल 2013 बन गया कंपनीज एक्ट 2013। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, नहीं क्या, क्लियर हुआ या और एक बार बता दूं? ठीक है, चलिए कमेंट में जरूर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा, क्या आपको कुछ जानकारी मिला, कैसे एक बिल को एक्ट में बदला जाता है। बोथ ऑफ, ये नहीं कि आपका पहला जो है लोकसभा में ही बिल प्रेजेंट हो, ठीक है, ये जरूर ख्याल रखिएगा, राज्यसभा में भी बिल प्रेजेंट हो सकता है पहले, उसके बाद लोकसभा में जाएगा, है ना। चलिए, तो लोकसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हुआ कंपनीज बिल 2012 18 दिसंबर 2012 को। उसके बाद राज्यसभा में आया कंपनीज बिल 2013 बनके, क्योंकि 2013 में वो बिल पेश किया गया था ना राज्यसभा में, 2012 यहां पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो जैसे ईयर चेंज होगा तो ऑब्वियस है चेंज बिल का, तो
डेट चेंज होगा ही। तो 2013 में बिल जो है राज्यसभा ने पास किया 8 अगस्त को, तब भी ये एक्ट नहीं बना है, पास हो गया बोथ पार्लियामेंट, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, वो तभी होगा जब एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मिलेगा, और वो मिला 29 अगस्त। जी हाँ, 29 अगस्त आई थिंक थर्सडे था, ठीक है, बृहस्पतिवार को 29 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट 2013 इफेक्टिव हो गया। ऑफिशियल गैजेट में उसके नेक्स्ट डे यानी 30 अगस्त को पब्लिश किया गया था, नोटिफाई कर दिया गया था, उस समय से एप्लीकेबल हो गया कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो।